पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। थाना लखनऊ के अंतर्गत मोहित पांडे के पुलिसकर्मी मृत हो गए। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने टॉर्चर किया, मारा पीटा, जिस कारण से उसकी थाने के लॉकअप में ही मृत हो गई। ब्राह्मण मरा है, यही दूसरा वर्ग का मरा होता तो यही राष्ट्रीय नेता नेशनल टीवी चैनलों पर डिबेट होता और घुघरू की नाच लोग करते रहते, लेकिन एक ब्राह्मण सौड़ मारा गया है। कोई भी राजनेता उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। सौण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सर्वेश पांडे ने निर्देश दिया, सौण आर्मी का मैं प्रदेश महासचिव सुरभ प्रसाद चौबे और हमारे मीडिया प्रभारी प्रदेश के पुनीत ओझा को कि आप परिवार से मिलिए, परंतु वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त ज्यादा है, जिस कारण से कोई भी सामाजिक संस्था या राजनीतिक दल के लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग मिले नहीं। और शीघ्र ही सौण आर्मी की टीम परिवार से मिल करके सरकार से उचित मुआवजा और आरोपी को उचित कठोर से कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था कराई जाएगी। और कष्ट की इस बात का है कि अभी तक अपराधियों अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और सौण आर्मी शोकाकुल परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करती है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार की पत्नी को, मोहित पांडे की पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए, आयुष्मान कार्ड दिया जाए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि यही अमेठी में एक दलित मारा गया था जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की मुआवजा और 5 बीघा जमीन थी। सरकार द्वारा जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि वह दलित है तो यह भी ब्राह्मण या सवर्ण है, एक गरीब है, यह एक छोटा सा व्यापारी है जो स्कूल में ड्रेस का काम करता है, पुलिस कस्टडी मारा गया। जबकि वह रायबरेली मार्ग में मरने वाला दलित प्रेम प्रसंग में मारा गया था, उसका जैसा कि चैनलों मीडिया में चलाया गया था कि वो उसका किसी के साथ पत्नी का प्रेम प्रसंग था जिस कारण मारा गया, परंतु यह सरकारी तंत्र पुलिस कस्टडी मारा गया है और सरकार की संवेदना इसके प्रति ज्यादा होनी चाहिए और इसको मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उन्हें जल्द से गिरफ्तार किया जाए। यह जल्द से गिरफ्तारी नहीं की जाती है, सौण आर्मी की टीम मजबूती के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ, यह आश्वस्त करता हूँ कि पूरी सौण आर्मी की टीम मोहित पांडे के परिवार के साथ खड़ी है और हर समय खड़ी मिलेगी।